तोबा है निम्रा, हद होती है वैसे बुजदिली की भी। उन्होंने तुमसे फोन ले लिया और तुम बुत बन के खड़ी रही। तुम समझ नहीं सकते नीना, वो मुझ पर हारून के हवाले से शक का इजहार कर रही थी। मुझे लगता है कि मैं और हारून रिश्ते में, जब एक लड़की पर ऐसा इल्जाम लगता है, इससे तो बेहतर है कि वो लड़की मर जाए। मैं ऐसा इल्जाम, ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनसे फोन मांगकर उन्हें और शक में नहीं डालूंगी। तुम्हें मैंने सुबह इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, लेकिन तुम्हारी चची से इतना गवारा नहीं हुआ कि एक बार वो तुमसे बात करवा सके। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब स्कूल नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? कामिन मुझे रास्ते में रोक लेता, मुझे डर लगता है। निम्रा, तुम अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो दुनिया वालों से मुकाबला कैसे करोगी? नहीं करना मुझे दुनिया का मुकाबला। जहां भी वक्त की आंधी मुझे लेकर जाएगी, मैं वहां चुपचाप चल पड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, समझी तुम? एक तो ये महारानी सोफे पे बैठी है, यही नहीं कि हिलके मेरे साथ कोई काम करवा दे, मेरा हाथ बटा दे। निम्रा, 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 ये मेरे कपड़े इस्त्री करके अलमारी में लटका दो। और ये क्या तुम हर वक्त गुमसुम होके बैठी रहती हो? काम पे ध्यान दो, काम किया करो थोड़ा बहुत। जी चाची।